आई वॉज ट्रैवलिंग थ्रू सरजापुर रोड और यहाँ पे फैब इंडिया था. हमने नॉर्मली फैब इंडिया में कपड़े वगैरह लिए बट दे हैव अ कैफे ऑल्सो, तो मैंने सोचा ट्राई करते हैं. एंड सी दिस, उनका जो ओपन सिंबल है ना, आई फील लाइक उन्होंने सबवे को कॉपी करा है बिकॉज दिस इज एग्जैक्टली सेम. और मुझे थोड़ा सा फर्नीचर और क्रॉकरी वगैरह लेना है, तो अंदर जाके देखते हैं. ठीक है, चलो. फॉर सम रीजन दिस रेस्टोरेंट इज वेरी एम्प्टी, मतलब हमारे अलावा यहाँ कोई नहीं है. बट आई वॉज गोइंग थ्रू द मेन्यू एंड आई फाउंड मसाला चाय आइसक्रीम. ओके, एंड आई वॉज लाइक आई डोंट नो हाउ दिस, मेरे को तो चाय वैसे ही पसंद नहीं है, बट वील ट्राई दिस आउट. ठीक है, देखते हैं और क्या है. बट दिस प्लेस इज सुपर एक्सपेंसिव. पहले पेज पे एवरीथिंग इज लाइक 400 रुपीज़ एंड आई वॉज लाइक मैं यहाँ से कुछ नहीं ले सकती. हाँ, बट द मसाला चाय आइसक्रीम इज फॉर 99 रुपीज़, दैट्स ओके. ठीक, वो बाकी सब कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है, सो लेट्स ऑर्डर द मसाला चाय आइसक्रीम. चाय लवर्स यूनाइट इन द कॉमेंट सेक्शन एंड कॉफ़ी लवर्स, वेल अच्छा है कॉफ़ी आइसक्रीम नहीं है ये. वैसे कॉफ़ी आइसक्रीम वुड स्टिल टेस्ट गुड. आई डोंट नो चाय आइसक्रीम कैसी लगेगी, बट लेट्स ट्राई इट आउट. इट्स लाइक कड़वा आइसक्रीम. मुझे नहीं पसंद आया. नहीं, मत ट्राई करना. 228 रुपीज़ की आइसक्रीम. तो मैं सोच रही थी स्टूडियो के लिए कुछ तो यहाँ से ले. ऑल्सो मेरे को बहुत धीरे बोलने का मन कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सब इतना साइलेंट है. आई डोंट नो व्हाई. आप लोग बताओ, हाउ वुड दिस लुक इन द स्टूडियो रूम? ब्लू कलर है ना, जाएगा नहीं आई थिंक. पता है आप लोगों को, मुझे ना ड्राइंग रूम के लिए ऐसा एक कॉफ़ी टेबल लेना था जिस पे हम बैठ सकते हैं और वो रख सकते हैं, बट हरविंदर लाइक अच्छा नहीं लग रहा ना, गॉट रियली डिसअपॉइंटेड. पर हमने एक दूसरी टेबल ली है जिसका वीडियो मैं दिखाती हूँ अभी. ठीक है, लैम्प्स, दे हैव लैम्प्स, सच प्रीटी लैम्प्स. इज दिस अ लैम्प? आई एम कन्फ्यूज्ड. ऑल्सो मैंने ना कभी भी अपनी लाइफ में फैब इंडिया से कपड़े नहीं खरीदे. क्या आप लोगों ने कभी खरीदे हैं? आई फील लाइक इट्स वेरी ओवर प्राइस्ड, बहुत ज़्यादा. मतलब लाइक ओके, रैंडम गैस, हाउ मच इज दिस फॉर? ओके, कॉमेंट, मैं बताती हूँ अब. 800 रुपीज़. ये 800 इज़ नॉट दैट एक्सपेंसिव, और इट इज़ ओके. जो भी हो, दिस इज़ फॉर 800 रुपीज़. आगे चलते हैं. ओके, दे हैव सुपर प्रिटी क्रॉकरी. हाउ प्रिटी डू दिस ग्लासेस लुक? 300 रुपए के. एक्चुअली आई कैन गेट देम. विच वन? पिक वन. व्हाट एल्स? ओह माय गॉड, लुक हाउ प्रिटी. सब कुछ ही खरीद लूंगी मैं यहाँ पे. लुक, दे हैव क्यूट केटल्स. इतना प्यारा सा केटल है ये. So cute. यार पर मुझे ना हमेशा ऐसा डर लगता है जब मैं शॉप्स में ये सब चीज़ें उठाती हूँ, बिकॉज आई फील लाइक मेरे हाथ से गिर के टूट जाएंगी. सो आई एम जस्ट गोइंग टू कीप दिस बैक. ओके, डन सक्सेसफुली विदाउट ब्रेकिंग एनीथिंग. इसका पर्पस क्या है? आई डोंट नो. एक कोई प्राइस भी नहीं है. डज दैट मीन इट्स फ्री? ऐसे उठा के ले जाऊँ क्या? जाने नहीं देंगे मुझे वो ऐसे. डू यू गाइस नो व्हाट पर्पस दिस इज यूज्ड फॉर? प्लीज लेट मी नो. ओके डूड, लुक एट दिस. दिस इज अ कैंडल. इट्स अ ह्यूज एस कैंडल. You know what? चलते हैं हम. I just realized that this place is way too expensive. मतलब जो हमने आइसक्रीम खाई थी उसका हमें पड़ा 228 रुपीज़ चाय आइसक्रीम. ओके, तो अगर आप लोग चाहते हो कि ऐसे में और दुकान में जाके रिव्यूज़ वगैरह करूँ, तो कमेंट करके बताओ. ठीक है, एंड जाते जाते वीडियो लाइक करते जाना. न्यू हो तो सब्सक्राइब. बाय.